मेरा नाम मनोज है मैम। एच मैम, यहाँ से कटरा से हम जम्मू के लिए जाते थे, बट हमें रेट्स अच्छा मिलता था। अब बट मैम, गाड़ी का पेट्रोल खर्चा भी नहीं निकल रहा है इस टाइम पे, जो अभी टाइम चल रहा है, तो गाड़ी का बड़े बदतर हाल है। गाड़ी की किस्त निकालना ही बहुत मुश्किल है मैम हमारे लिए। महंगाई के इस दौर में असर आपके जीवन पर पड़ रहा है। मैम देखिए ना, हम महंगाई के बारे में, हम बीजेपी के खिलाफ भी हैं थोड़ा, ट्रांसपोर्टर बीजेपी के खिलाफ हम ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ ना कुछ ड्राइवर्स यूनियन को देना चाहिए मैम। ये चीज है, उनका अच्छा बजट चले, घर उनका परिवार घर, अभी तो काम इतना तो यहाँ पे गंडोला लग रहा है, उससे व्यापारी परेशान है। आप कह रही ट्रेन के कारण टैक्सी वाले परेशान है। आगे यहाँ भूखमारी इतनी पड़ी है ना, तो आप टाइम सोचिए कि हमारा घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया मैम इन ड्राइवरों का। इतना बुरा हाल है, क्या बताएं मैम। हमें सुबह से हम, कोई सवारी नहीं है गाड़ियों के लिए, क्या करें मैम। दालों देर से इंतजार कर रहे हैं मैम, लास्ट कब तक इंतजार कर। बट मैम 3 घंटे हो गया यहाँ पे बिल्कुल मैम, कोई पूछ नहीं रहा। पहले हालत थी कि कटरा में ट्रेन नहीं आती थी, हमारा काम अच्छा चलता था। बट नवरात्रों का पावन अवसर है और नवरात्रों के पावन अवसर पर उम्मीद होती है कटरा वासियों की या व्यापारिक वर्ग की कि देखिए यहाँ पर व्यवस्था अच्छी होगी तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला ज्यादा बढ़ने वाला और उससे कहीं ना कहीं रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। वहीं एक टैक्सी ड्राइवर हमें मिले हैं, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे और ये हमें कहते हैं कि कुछ व्यथा है, परेशानी है जो ये व्यक्त करना चाहते हैं। वो राज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन से इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है? जी मैम गुड इवनिंग, मेरा नाम मनोज है मैम। एक्चुअली मैं टैक्सी ऑनर हूँ मैम। मैं तो एक्चुअली यहाँ का कटरा का हाल ये है, जब से ट्रेन पे यहाँ पे कटरा में पहुंची है माता वैष्णो देवी के दरबार में, तब से टैक्सी यूनियन का काम काफी मैम कम हो गया। मान के चलो कि 20% काम ही रह गया, अभी ज्यादा काम नहीं है। पहले कहाँ से लेकर कहाँ तक रूट? पहले जो रूट होता था जम्मू से कटरा तक होता था और काफी सवारी होती थी, बट 2 चक्कर लग जाते थे दिन में मैम। अभी 1 चक्कर में सवारी लेना भी बहुत मुश्किल हो गया यहाँ से। जी मैम, कारण क्या मानते हैं कि जो सीधी ट्रेन आ रही है जम्मू से? यही मानते हैं गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए टैक्सी यूनियन के बारे में भी, कि कम से कम ट्रेनें लगाएं इधर, ज्यादा ट्रेनें ना चलाएं, जिससे हमारा कि एक समय ऐसा था कि काम अच्छा था। कितने परिवार इन टैक्सी से चल रहे हैं? मैम कम से कम 2000 मान के चलो कि जितनी फैमिली इस टैक्सी से ही पलती है, जिनका दाल रोटी इस टैक्सी से ही चलता है मैम बिल्कुल। चलो हमारा तो बजट अच्छा, हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। हम उन गरीब लोगों के ड्राइवर को जो किसी की गाड़ियां चला रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है मैम ये काम। चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं सरकार के आगे यही गुजारिश है हमारी कि कम से कम गाड़ियां हो और ट्रेनें कम लगाएं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यू ट्रेन कोई ना हो, जो चल रही है इन्हीं को चलने देना बस। पहले यही चाहते यहाँ से आप कहाँ लेकर जाते थे? पहले हम जैसे मैम यहाँ से कटरा से हम जम्मू के लिए जाते थे, बट हमें रेट्स अच्छा मिलता था। अब बट मैम गाड़ी का पेट्रोल खर्चा भी नहीं निकल रहा है इस टाइम पे, जो अभी टाइम चल रहा है, तो गाड़ी का बड़े बदतर हाल है। गाड़ी की किस्त निकालना ही बहुत मुश्किल है मैम हमारे लिए। महंगाई के इस दौर में असर आपके जीवन पर पड़ रहा है? मैम देखिए ना, हम महंगाई के बारे में, हम बीजेपी के खिलाफ भी हैं थोड़ा, ट्रांसपोर्टर बीजेपी के खिलाफ हम ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ ना कुछ ड्राइवर्स यूनियन को देना चाहिए मैम। ये चीज है, उनका अच्छा बजट चले, घर उनका परिवार घर, अभी तो काम इतना यहाँ पे गंडोला लग रहा है, उससे व्यापारी परेशान है। आप कह रही ट्रेन के कारण टैक्सी वाले परेशान है। आगे यहाँ भूखमारी इतनी पड़ी है ना, तो आप टाइम सोचिए कि हमारा घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया मैम इन ड्राइवरों का। इतना बुरा हाल है, क्या बताएं मैम। हमें सुबह से हम, कोई सवारी नहीं है गाड़ियों के लिए, क्या करें मैम। दालों देर से इंतजार कर रहे हैं मैम, लास्ट कब तक इंतजार कर। बट मैम 3 घंटे हो गया यहाँ पे बिल्कुल मैम, कोई पूछ नहीं रहा। पहले हालत थी कि कटरा में ट्रेन नहीं आती थी, हमारा काम अच्छा चलता था, बट ये काम था मैम। देखिए साफ तौर पर इनके जीवन पर सीधा असर पड़ा है, ये धर्म नगरी कटरा है और यहाँ पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम काज है, कोई भूखा नहीं सोता। लेकिन टैक्सी ड्राइवर्स का जीवन इस प्रकार है कि जब से रेलवे की तरफ से ट्रेन सीधी जोड़ी गई है, ये एक रास्ता जोड़ा गया है, व्यवस्था चलाई गई है, उसके बाद इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है और आज ग्राहक जो है इनको नहीं मिल पा रहे और खाना चलाना घर का बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है महंगाई के इस दौर में। आप यू बात समझे देखते हैं जम्मू सुहान के लिए। नमस्कार।